नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यतीन यादव। आज की इस वीडियो में मैं एक्रेलिक कलर से राधा कृष्णा जी की पेंटिंग बनाने वाला हूं। ये पेंटिंग काफ़ी बड़ी है और इसे मैंने बड़े कैनवास पे ड्रॉ किया है। इस पेंटिंग को बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा था और इस पेंटिंग को मैंने बड़े कैनवास पे कैसे आउटलाइन को ड्रॉ किया है और इसमें मैंने एक्रेलिक कलर को ब्लेंड करके मर्ज करके कैसे कलर को फिलअप किया है, इस वीडियो में मैं इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पे ये वाली फ़ोटो सेलेक्ट की है राधा कृष्णा जी की पेंटिंग के लिए। गाइज, यहाँ पे जब भी आप कोई बड़ी साइज़ की पेंटिंग बनाते हैं, वहाँ पे जब आप आउटलाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं तो साइज़ के बड़े होने की वजह से पेंटिंग की आउटलाइन बनाने में आपको थोड़ा सा दिक्कत ज़रूर होती है। तो यहाँ पे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप ग्राफ मेथड का यूज़ कर सकते हैं। लगभग आर्टिस्ट इसी मेथड का यूज़ करते हैं जब भी वे आउटलाइन बनाते हैं। इस मेथड का यूज़ करने से आपकी आउटलाइन काफ़ी परफेक्ट बन जाती है और आपका टाइम भी काफ़ी बच जाता है, जिसकी वजह से आपकी पेंटिंग में एक परफेक्शन देखने को मिलता है। ग्रिड मेथड का यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं अपने रेफरेंस इमेज को ग्राफ में कन्वर्ट कर लूँगा किसी भी ग्रिड एप्लीकेशन का यूज़ करके, और उसी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए मैं अपने कैनवास पे ग्राफ को ड्रॉ करके आउटलाइन को ड्रॉ करूँगा। जब भी आप कोई भी आउटलाइन बनाएंगे तो यहाँ पे आपको लाइट पेंसिल का यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने HB पेंसिल का यूज़ करके आउटलाइन को ड्रॉ किया है। आप भी यहाँ पे HB पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। Shot me in the late night, bleeding out in plain sight, running with the heart you stole. You got your desires, always starting fires. Losing sleep, I'm in too deep, I'm hiding Michael Myers. Building an empire, you are rising higher. Standing tall, but you will fall, cause we all hear the choir. Beautiful lies, dragging me under the table. Hell in her eyes, she wants to put me in a hole. Beautiful liar, holding me, I'm a neighbor. Bleeding me dry, she wants to devour my soul. Fuck. Slowly, pray to God I'm holy, bury me still intact. Baby, don't make a noise, murdering brings you joy. I've been waiting for you, ready to destroy you, sipping on a cold LaCroix. You got your desires, always starting fires. Losing sleep, I'm in too deep, I'm hiding Michael Myers. मैं एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी सारे बिगिनर्स आर्टिस्ट को दिक्कतें होती हैं कलर्स को आपस में मर्ज करने के लिए। यहाँ पे एक दिक्कत ये भी है कि यहाँ पे आप एक्रेलिक कलर में ज़्यादा वाटर नहीं मिक्स कर सकते। अगर आप इसमें ज़्यादा वाटर मिक्स कर देंगे तब भी आपके कलर की जो थिकनेस है वो काफ़ी कम हो जाएगी और आपके आर्टवर्क्स में उतनी ज़्यादा फिनिशिंग नहीं दिखेगी और उसमें पैच भी काफ़ी आ जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब भी आप दो कलर्स को आपस में मर्ज करना चाहते हैं, अच्छे से ब्लेंड हो जाए अगर आप चाहते हैं, तो आपके पास वो दोनों शेड्स के कलर आपके पैलेट में होने चाहिए, तभी आप उसे अच्छे से मर्ज कर पाएंगे। और जब आप दोनों कलर्स को मर्ज कर रहे होते हैं तो एक कलर को अप्लाई करने के बाद जब आप उसके ऊपर दूसरा कलर अप्लाई करते हैं तो ब्रश से कभी कभी थोड़ा पैचेस रह जाता है, जिसकी वजह से आप उसे अच्छे से मर्ज करने के लिए एक दूसरा सॉफ्ट ब्रश यूज़ कर सकते हैं इसको ब्लेंड करने के लिए। लेमन येलो कलर का यूज़ कर रहा हूँ।
इस पेंटिंग में डिटेलिंग ज़्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पे राउंड ब्रश का यूज़ करके पूरी पेंटिंग को कंप्लीट करूँगा। यहाँ पे मैंने कहीं पे भी फ्लैट ब्रश का यूज़ नहीं किया है, आपको राउंड ब्रश का ही यूज़ करके जब भी डिटेलिंग्स वाला पार्ट कंप्लीट करना हो तो आप उसी को केवल यूज़ करेंगे और उससे काफ़ी अच्छे से कलर ब्लेंड भी हो जाता है। तो गाइज़ ये वाली पेंटिंग आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है, इसका पार्ट टू मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। Hey, shot me in the late night, bleeding out in plain sight, running with the heart you stole. You got your desires, always starting fires. Losing sleep, I'm in too deep, I'm hiding Michael Myers. Building an empire, you are rising higher. Standing tall, but you will fall, cause we all hear the choir. Beautiful lies, dragging me under the table. Hell in her eyes, she wants to put me. तो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।